हेलो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं BS6 अशोक लेलैंड पिकअप। इस गाड़ी में प्रॉब्लम है कि गाड़ी ये जो है पिकअप नहीं बना रही है, गाड़ी लोडिंग पर भाग नहीं रही है, स्पीड नहीं पकड़ रही है। अभी दिखाते हैं हम आपको गाड़ी को स्टार्ट करके। देख सकते हैं अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम आपको एक नंबर गियर लगाकर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गियर लगाकर हमने इसका पूरा क्लच छोड़ दिया है और ब्रेक हमने दाब रखा है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है। तो देख सकते हैं आप, गाड़ी अब जाकर बंद हुई है। इसका क्लच प्लेट जो है स्लिप हो चुका है। देख सकते हैं गियर बॉक्स, अभी हम इसको उतारेंगे। इसका क्लच प्लेट स्लिप हो गया है। गियर बॉक्स को उतार कर इसका क्लच प्लेट हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देख सकते हैं आप गियर बॉक्स का हमने जो है आधा फिटिंग खोल दिया है। देख सकते हैं आप, अभी गियर बॉक्स को उतारेंगे हम। देख सकते हैं गियर बॉक्स को निकाल रहे हैं। इसके जो डबल पिन होते हैं वो टाइट हैं, इसके वजह से जो है गियर बॉक्स निकल नहीं रहा है। देख सकते हैं गियर बॉक्स हमारा बाहर आ गया है। अरे देख सकते हैं इसका प्रेशर प्लेट। निकालते हैं अभी खोलकर प्रेशर प्लेट को। एलएमकी के 6 वोल्ट लगे रहते हैं। देख सकते हैं हथौड़ी ये सारे बोल्टों को हमने खोल दिया और एक अभी निकाल रहे हैं इसको। देख सकते हैं आप, अरे यार क्लच प्लेट को हमने निकाल दिया है। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट देख सकते हैं बिल्कुल जल चुका है ये क्लच प्लेट। देख सकते हैं आप, इसके लेदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल जल गया है, इसीलिए गाड़ी पिकअप नहीं बना रही थी लोडिंग पर। और ये इसकी क्लच बैरिंग देख सकते हैं आप, इसमें भी आवाज़ आ गया है, गरगर की आवाज़। देख सकते हैं क्लच प्लेट ये बिल्कुल जल चुका है और ये प्रेशर प्लेट बिल्कुल हीट हो गया है। देख सकते हैं आप, हीट होकर स्क्रैच आ गया है। और ये इसकी बैरिंग तीनों को चेंज करेंगे। और ये देख सकते हैं न्यू क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लुक कंपनी का। और ये इसकी बैरिंग है, क्लच बैरिंग, क्लच बैरिंग का आप देख सकते हैं। एक क्लच बैरिंग का प्राइस इस पर है, आप देख सकते हैं 630 रुपये। टेक्सपिन कंपनी का बैरिंग है। और ये इसका बैरिंग देख सकते हैं, क्लच बैरिंग। लुक कंपनी का बिल्कुल न्यू। ये प्रेशर प्लेट देख सकते हैं। दोनों सेट हम लगा रहे हैं।
और ये देख सकते हैं पुराना वाला क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट बैरिंग। और इस लोडर गाड़ी में आप जब भी डालें तो सेट ही डालें, क्योंकि अलग से क्लच प्लेट नहीं चल पाता है। सेट सबसे बेस्ट रहता है इसमें लोडर गाड़ियों में। और ये इसका प्राइस देख सकते हैं आप। तो अभी हम क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिटिंग करेंगे गाड़ी में। ये प्राइवेट है इसका। तो ये गियर बॉक्स देख सकते हैं आप, देख सकते हैं फिटिंग कर रहे हैं अभी इसको। इसके सारे बोल्टों को टाइट कर देंगे। 6 नंबर LNG के बोल्ट रहते हैं इसमें, टाइट कर रहे हैं इसके बोल्ट को। हमने इसका प्रेशर प्लेट सेट कर दिया है। अभी गियर बॉक्स को हम चढ़ा रहे हैं, ये देख सकते हैं। उठा उठा तने से गियर बॉक्स को हम बैठा रहे हैं इसमें। देख सकते हैं गियर बॉक्स को हमने इसमें बैठा दिया है। गियर बॉक्स हमारा बैठ चुका है। अभी इसके जो है सारे नट बोल्ट इसके जो है टाइट कर देंगे गियर बॉक्स के। इसके गियर वायर क्लच वायर सब इसका हमने देख सकते हैं इसमें कंप्लीट कर दिया है। सारे गियर वायर, दोनों गियर वायर को, और इसका शाफ्ट भी हमने बांध दिया है। देख सकते हैं आप, गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है और गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी हम इसको चेक कराते हैं। बंद कर भी वारियन के बंद कर, बंद कर चढ़ाव। देख सकते हैं आप, गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो है ब्रेक दाब कर क्लच छोड़ने पर गाड़ी बंद नहीं हो रही थी, क्लच प्लेट स्लिप कर रहा था। अब बिल्कुल ओके हो चुका है। अभी हम दिखाते हैं गाड़ी लोडिंग पर पिकअप ले जो पूरा फर्स्ट क्लास। अभी देख सकते हैं आप, अभी हम दिखाएंगे। देख सकते हैं आप, गाड़ी बंद पड़ गई, बिल्कुल ओके हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।